लेट इस मूव फर्दर विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल एंड हाउ इट इज फॉर्म सो हेयर आई मैंशन एट द मार्जिन दैट लॉन्ग फिलाेंटस थ्रेड दैट इज प्रोट्यूडिंग आउट एट द एंड ऑफ द यंगब ऑफ अ मेज इज एक्चुअली अ स्टाइल ओके हेयर इन दिस प्रोसेस ओव्युल जिसमें माइक्रोपाइल एनचेलजा एंड है ओव्युल के अंदर जो परन क्लाइमेटस सेल्स होता है दैट इज नॉन एज द न्यूसील

ंगर ओवल जिसके अंदर पैराम मतलब सिंपल ही सादे से सिम्पल पैरकाइमेटस सेल्स है जिसका फर्दरली डेवलपमेंट होगा एज अ न्यूसिलस ओके ये न्यूसिलस इट सेल्फ इट इज़ अ डाइपलोइड आउट ऑफ सम सेल ऑफ द न्यूसिलस दैट कंटेन और दैट बिकम अ लार्ज इन अ साइज कंटेन अर डेंस साइटोप्लाजम विथ अ प्रोमिनंट न्यूक्लियस आउट ऑफ दिस वन न्यूसिलस जो डेवलप हुए हैं पेरेंट कैमेटस सेल्स में से न्यूसिलस न्यूसिलस में से कोई एक सेल फर्दरली डेवलप होता है और फिर वो जाके इट बिहेव एज द मेगास्पोर मदर सेल क्योंकि यहाँ से मेगा स्पोर बनने वाला है तो दैट सेल को हम लोग मेगा स्पोर मदर सेल ऐसा बोलेंगे दिस एमएमसी और डाइप्लोड सेल्स इट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस Exactly, you have to keep this concept in your mind that likewise, microsporogenesis here also MMC microspore mother cells undergo the process of meiosis process and they are produced a four haploid cell. Out of this four haploid cell, only one is served as or formed as a pollen grain, rest three is going to be degenerate.

मेगा स्पोर में ऐसा नहीं होगा ओके लाइक वाइज इन ए फीमेल ऑल्सो इफ वी टॉक अपार्ट द्यूमन फीमेल तो यहाँ पर भी ऐसा होगा कि वन सेल इट अंडर गो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस चार में से ओनली वन सेल इज बिहेव और डेवलप्ड एज द एग और the द रेस्ट थ्री इज is degenerate. ओके सो हियर megaspore mother cells undergo सेल्स process of द प्रोसेस ऑफ मीओसेस चार सेल है प्रोड्यूस करेगा. उसमें से ओनली वन इज़ रिमेन फंक्शनल एंड द रेस्ट थ्री इज़ डी तो यहाँ पे मैंने डी वाले को मैंने एस, मतलब एस्टोरिक की तरह मार्क करा हुआ है मतलब सी शेप मैंने बनाया है और जो डेवलप हो रहा है उसको मैंने मेगास्पोर ऐसा नाम दिया ओके okay? यहाँ पे मेगा स्पोर बनने की दिस प्रोसेस इज नॉन एज द मेगा स्पोरो ओके चलो तो देखते हैं कि हाउ दिस मेगा स्पोर इज एग्जैक्टली फॉर्म अ लाइक ओके यहाँ पे जो मेगा स्पोर है वो मेयोसिस प्रोसेस से बना हुआ है तो बट नेचुरल इट इज़ द हैप्लोइड इन अ नेचर इट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ माइट्रोटिक डिवीजन तो उसमें से बनने वाले हर एक सेल वो हैप्लोइड हो गए and that is from a embryo sac, so that is also known as the female gametophyte. मतलब sac का दूसरा नाम है female gametophyte. ओके तो मेगा स्पोर में से एम्ब्रियोसेक बनने की जो प्रोसेस है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनने की जो प्रोसेस है दैट इज़ नॉन एज द मेगा गैमेटोजिनेसिस ओके मेगा गैमेटोजिनेसिस का मतलब है मेगा स्पोर डेवलप होके फुल्ली फंक्शनल माइटोटिक डिवीजन करके एक से ज़्यादा सेल और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मतलब मोर देन वन सेल एंड मोर देन वन न्यूक्लियस वाली कंडीशन को ऑप्टेन करेंगे एंड दैट होल स्ट्रक्चर इज नॉन एज द एम्ब्रियोसेक ओके चलो एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये जो एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट है हमारे डियर स्टूडेंट वो हाउ इट इज़ अकर सो फर्स्ट टाइम एम्बरीओसेक डेवलपमेंट It was studied by Maheshwari and on the basis of the presence of embryo sac, <coughs> sorry, on the basis of the development of the embryo sac, it is divided into three types. मोनोस्पोरिक बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक मतलब अगर एम्ब्रियो सैक है वो एक ही मेगा स्पोर में से डेवलप हुआ है तो ऐसे काइंड ऑफ सैक को हम लोग मोनोस्पोरिक बोलेंगे अगर टू मेगास्पोर में से डेवलप हुआ है तो दैट इज़ अ बाइस्पोरिक और अगर तीन मेगास्पोर में से एम्ब्रियो सैक डेवलप हुआ है तो दैट इज़ नॉन एज द एम्ब्रियो सैक यहाँ पे मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ सैक है इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप एंड एट्टी परसेंट ऑफ एनजियोस्मामिक के अंदर ये फाइंड आउट होता है यहाँ पर एम्ब्रियोसेक इज़ फॉर्म फ्रॉम ओनली वन मेगा स्पोर एज आई टोल्ड यू एग्जाम्पल इज द पोलिगोनम एंड ओनोथेरा बाई स्पोरिक जिसके अंदर टू मेगा स्पोर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वन एम्ब्रियोसैक एग्जाम्पल इज सॉरी एलियम एंड Endymion, third one is the tetrasporic, and that is what exactly showing the four megaspore that form only one embryo sac. Example is Adoxa, Druca, Plumbago, and Fritillaria, is the example of tetrasporic embryo sac. Okay, okay, so here in द फर्दर प्रोसीजर एक मेगास्पोर बन गया है अभी ए मेगास्पोर कन्वर्ट होने जा रहा है फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक में सो हैव एग्जैक्टली इट इज शो एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर हम लोग उसको देखें तो सिंपली जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनो ये जो मेगास्पोर है वो माइटोटिकली डिवाइड होगा तो माइटोसिस वन करके वो दो न्यूक्लियस देगा सी एंड एम वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे चलेजा एंड माइक्रोपाइलर एंड को बता रहे हैं तो यहाँ पे वन न्यूक्लियस ऑफ द मेगास्पोर स्पोर इज डिवाइड एंड इट फॉर्म अ टू न्यूक्लियस एंड दैट बोथ न्यूक्लियस रिमेन एट द अपोजिट एंड ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक यहाँ पे दिस माइटोसिस वन कंडीशन अगेन कैरी फॉरवर्ड यानी इट डू द माइटोसिस टू प्रोसेस दो न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड होंगे तो दो के चार न्यूक्लियस फॉर्म होंगे आफ्टर वो जो चार न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं वो दोनों अपने पोल पर रहेंगे ओके okay? फर्दर ये थर्ड माइटोटिक डिवीजन में जाएगा और जिसकी वजह से जो दो न्यूक्लिएटेड कंडीशन सी एंड एम पोल पे थी वो अभी फोर न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी ओके आउट ऑफ दिस Four nucleus each from the uh, pole, each nucleus from each pole it is sent to the central portion. And after sending this one, what exactly remain afterward at a C end, only three cells remain, or you can say only three nucleus remain, or at the M end, also three nucleus remain and out of four one is sending to the central area so exactly what happened over here at the both c and m and three nucleus remain and one is sending at the center so now it will look like at the both pole three cell three nucleus condition and in the center two nucleus two cell condition regi but later one

दिस बोथ द न्यूक्स आर फ्यूज और रिमेन विद इन वन सेल सो एग्जैक्टली सेंटर वाला एक ही सेल रहेगा तो दोनों पोल पर थ्री प्लस थ्री सिक्स सेंटर पर वन मतलब सेवन सेल और न्यूक्लियस रहेगा आठ मतलब ऐसा फेमेल गमेटोफाइड जिसके अंदर सेवन सेल एंड एट न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा ओके फाइन एट दी एंड एज यू सी तीनों तीन जो सेल फॉर्म्ड हुए हैं दैट इज़ नॉन एज द एंटी पॉडल सेल एज यू नो ये सभी चीज़ें मेगा स्पोर में से डेवलप हुई है मेगा स्पोर इट्स सेल्फ इट इज़ दैप्लोयड तो बनने वाले सभी सेल है इट इज़ हैप्लोइड बाय इट्स नेचर सो सी एन पे एंटीपोडल सेल्स होते हैं वो भी हैप्लोइड रहेंगे सेंटर सेल्स जो होते हैं वो भी सेंट्रल सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो दोनों का अलग अलग ही रह रहा है यहाँ पे तो ऐसे हम लोग सेंट्रल सेल को अगर न्यूक्लिएटेड कितना न्यूक्लिएटेड कंडीशन है तो डाइपलोड बोल सकते बिकॉज इट हैविंग अ टू न्यूक्लिया दैट्स वाई टू पोलर न्यूक्लिया और फ्री न्यूक्लिया जैसा लिखा है और एट द बेस एम एंड पे जो दो सेल है पेरी में दैट सेल इज नॉन एज द सीनोरजिट सेल

उसको क्या बोलेंगे एक्सेल वो भी हैप्लोइड बाई नेचर है हैप्लोइड जहाँ पे भी आएगा हम लोग एन लिखेंगे एट द बेस वॉट एवर द डार्क एरिया इज शोवन एट द बेस ऑफ द माइक्रोपाइल एन दैट इज नॉन एज द फिली फॉर्म एपरटस दिस फिली फॉर्म एपरडस इज रिस्पॉन्सिबल और इट इज़ नीड टू गिव अ मूमेंट टू द पोलन ट्यूब जब यहाँ पर मैंने लिखा है फिली फॉर्म एपरेटस इ डायरेक्ट द मोमेंट ऑफ पोलन ट्यूब तो पोलन ट्यूब को वो गाइड करेगा कि इसको यहाँ तक जाना है ओके okay? जिससे वो एग के साथ क्या हो सकता है फ्यूज हो जाएगा सो माई डियर स्टूडेंट्स इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायाग्राम हियर यू हैव टू ड्रो दिस कंडीशन ऑफ़ द फीमेल गेमेटोफाइट विथ अ सेवन सेल एंड एट न्यूक्लिएटेड कंडीशन ओके द नेक्स्ट वन इज दिस फिलीफॉम एपरेटिस का फंक्शन क्या है हम लोगों ने लिखा कि इट गाइड द पोलन ट्यूब टू ट्रेवल विद द एग और फिलीफॉम एपरेटस कंप्राइजिस माइक्रो फाइब्रिल इनशित मतलब इट्सल्फ इट इज़ मेड अप ऑफ माइक्रो फाइब्रिल से वो क्या होता है बना होता है ओके द नेक्स्ट वन इज़ हेयर ये जो मैंने लिखा है मार्जिन पे आप लोगों को लिख देना है फिलीफॉम एपरेटस कम्प्राइजिस माइक्रोफाइब्रिल इनशित ओके यहाँ पे सिनर्जिट सेल जिसके अंदर साइटोप्लाज्म में इट हैविंग द वैक्यूल इज टू वार्ड अचलजा एंड एंड एन न्यूक्लियस इज टू वार्ड द माइक्रो एंड मीन्स दे टॉक अबाउट द सिनर्जिट सेल एग सेल जिसके अंदर वैक्यूल इज टू वार्ड माइक्रोपाइल एंड एंड न्यूसिलस टू वार्ड चलजा सो वी से दैट एग सेल इज ऑफ अपोजिट पोलारिटी, मतलब एग सेल है वो उसके अपोजिट पोलारिटी में है प्लाज्मोडेस्माटा मींस मीन्स इट इज़ अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल तो दिस प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन यू विल बी फाइंड बिटवीन द सिनर्जिड एंड एग सेल मतलब आप लोग हेल्पर ऐसा नाम दिया है तो बट नेचुरल है सेंटर के अंदर जो एग सेल है उसको कंटिन्यूशन में नरिशमेंट देने का फंक्शन किसका है सिनर्जिड सेल का जिससे जब तक एग फर्टिलाइज नहीं हो जाता तब तक का नरिशमेंट है इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सिनर्जिड सेल ओके okay, तो एक एग एपरेटस किससे बनता होता है दो सिनर्जिट पेरिफेरी में और सेंटर में एक एग सेल तो एग और दोनों सिनर्जिट सेल टुगेदरली मिलके क्या बनाते हैं एग एपरेटस मतलब ये थ्री सेल्ड और थ्री न्यूक्लिएटेड कंडीशन है वो बनाते हैं राइट चलो यहाँ पे फर्दर मोर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सेंट्रल सेल तो सेंट्रल सेल एज एज आई टोल्ड यू इट हैविंग न्यूक्लियस दोनों न्यूक्लियस पोलार न्यूक्लियस उसके पास होते हैं जिससे वो फ्यूज़ होके फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं नेक्स्ट वन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है इन ओनीथोरा वो मोनोस्पोरिक है एंड इट इज़ अ पोलिगोनम टाइप जिसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज़ अ फोर सेल एंड फोर न्यूक्लिएटेड कंडीशन है ओनीथेरा के अंदर एंटीपोडल यहाँ पे वन न्यूक्लियाई है दैट इज़ अ एबसेंट होती है राइट right? नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ऑप्ट्यूरेट डायरेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टू द माइक्रोपाइल ऑफ सीड यहाँ पे ऑप्ट्यूरेटर है जिसका मेन फंक्शन होता है कि पोलन ट्यूब का ग्रोथ करे टू बार्ट द तो माइक्रोपाइल एंड और सीनरजिट्स है दैट लैक अ सेल वॉल ऑन दर चलजल एंड एट मैच्योरिटी जिससे इजीली दे गिव देर फंक्शनल वर्क सीनरजिट जो चलेजा एंड की वॉल के साथ उसका कनेक्शन होता है वो सेल वॉल वहाँ पर एबसेंट होती है जिससे वो इजीली नरिशमेंट है वो अपटेन करके इट इज़ गिव अ सप्लीमेंट और इट गिव अ सप्लाई टू द एग सेल सो यहाँ तक आ, आपको नोट्स है वो कंप्लीट करके लिखना है